इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने कहा कि नव नियुक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा चौमुखी विकास की तरफ बढ़ेगा। भाजपा अंतिम पायदान के कार्यकर्ता का सम्मान करती है। सामान्य कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह करके दिखा दिया है। वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पद चिन्ह पर चलकर अंतिम व्यक्ति का विकास करेंगे। मदन चौहान बुधवार को नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर गोविंदपुरी रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व निवर्तमान मेयर मदन चौहान के कार्यालय पर ढोलक की ताल पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया और लड्डू व मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने कहा कि मंगलवार को हरियाणा के अंदर बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिला। देखिए, नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नायब सैनी जी एक सामान्य से कार्यकर्ता थे, अब केंद्रीय नेतृत्व ने ये दिखा दिया कि अंतिम पायदान पे जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है, कब उठ करके पहले पायदान पे बनाने का काम करते हैं। ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल जी इतना बेहतरीन काम कर रहे थे। अब संगठन का सारा के सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, अब इतना बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर हुआ है और नायब सैनी जी इतने अनुभवी कार्यकर्ता हैं, संगठन का हो, सरकार चलाने की बात हो, हरियाणा के अंदर भी मंत्री रहे, पिछले 5 साल से सांसद हैं और एक बहुत साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और दूसरे अन्य जो दल हैं वो केवल उनके परिवारों के अंदर पैदा हुए, चाहे किसी को समझ है नहीं है, प्रदेश चला सकते हैं नहीं चला सकते, देश चला सकते हैं नहीं चला सकते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ भी कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। ये पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश की पार्टी ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मोदी जी भी सामान्य कार्यकर्ता थे, मनोहर जी भी सामान्य कार्यकर्ता थे, नायब जी भी सामान्य कार्यकर्ता हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से नायब जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।